पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या करते। मनोज यादव जी, जो हाल कांग्रेस का अंदर है भाई, हाल आपके यहाँ ये बीजेपी मुद्दे गिनवा रही है। सलीम शेरवानी इस्तीफा देते हैं, आबिद रजा इस्तीफा देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं। अच्छा, और तो और खबर ये भी आ रही है, पता नहीं कितना सच है, आप हो सकता है ज्यादा जानकारी दे दें, कि करीब एक दर्जन विधायक आपकी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए। तो गेम बचाना पड़ेगा, चुनावी सीजन राकेश जी चल रहा है, जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है जाएगा, यही तो होती है सहालक, इसी को तो सहालक कहते हैं राजनीति की, इसको आना जाना जाए, आना जाए, लगा रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और चलिए मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात करता हूँ, चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने आज एड्रेस किया है, और एक सबसे बड़ी बात जो एड्रेस की है वो ये की है कि भारत 2047 में महाशक्ति बन जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा, विकसित देश। आपको याद दिलाता हूँ, पूर्व के बीजेपी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब 1999 से 2000 में हम प्रवेश हुए थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का नारा था कि 2020 में देश महाशक्ति। नहीं नहीं मनोज जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, आप बोल लीजिएगा। नहीं नहीं टोक नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ बीजेपी का एजेंडा क्या, राष्ट्रवाद, विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा, सर ये चर्चा चलती रहेगी। अच्छा, भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, जितने भी उस कांग्रेस ने जननी मतलब माँ ने जो भ्रष्टाचारियों को जन्म दिया, उनका अड्डा है भाजपा। इसका किसका नाम गिनाओ, किसका किसका गिनाओ, अशोक चौहान का गिनाओ, अजीत पवार का गिनाओ, या जितने भी भ्रष्टाचारी गए बीजेपी में, तो यानी कि भ्रष्टाचार का अड्डा है बीजेपी और उसके मुखिया है प्रधानमंत्री। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी कहा कि टूट के चले जाएंगे, आधी कांग्रेस इधर चली जाएगी, अन्य पल टूट जाएंगे, सुनो प्यार से कह रहा हूं, सिर्फ ईडी या सीबीआई में से एक हमको दे दो, सिर्फ एक, एक दो नहीं टूटेंगे, तुम्हारी अगर आधी से ज्यादा भाजपा ना खत्म कर दे तो मेरा नाम मनोज यादव। बात तो सही है। समझ रहे हो राकेश जी, अपने पीसीआर से कहिए ये वीडियो चलती रहने देना चाहिए जो चल रही है, किस तरीके से जो कह रहे ना अकेला नरेंद्र मोदी कुछ नहीं, जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी का और नड्डा जी का अपमान अमित शाह ने भरे मंच पे किया है कि माले से भी बाहर हो गए। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। जुम करो। मतलब एक थोड़ी हिमाकत की कि माला पर मतलब कहां से कहां चले जा रहे हैं, परवार जा रहे हैं ना, से बाहर निकल गया मनोज जी, अपनी पार्टी से चिंता कर लीजिए, भाजपा तो कल क्या होगी वो अलग बात। सुनो ओ देश के, अरे भाई ऐसा है ना, आप हमें बोलने का अधिकार है। नहीं नहीं अधिकार है तो कुछ भी थोड़ा बोलेंगे भाई, ये टेलीविजन डिबेट है, देश देखता है, हमको क्यों, क्या प्रधानमंत्री का रक्षा मंत्री मालूम नहीं है आपके, आपके क्या बीजेपी का रक्षा मंत्री करेंगे ना, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। कैसे अमित शाह ने धक्का देके इशारे से मना कर दिया, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।